हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल के एम क्यू बाई विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज अपना बायो मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग एंजाइम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने एमिनो एसिड तक, ठीक है, प्रोटीन तक पूरा कवर कर लिया है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपना जो टॉपिक है दैट इज़ एंजाइम। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए, लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हैं। एन एग्जाम्पल दिया है, एन एग्जाम्पल इज डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, हम फूड कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ appropriate molecules and ultimately production of energy। हम कोई चीज़ खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हमें उसको खाने से क्या हो, एनर्जी मिले और हम जो भी अपने काम है वो कर सकें। तो डाइजेशन, फूड जब डाइजेस्ट होगा तो ही अपने को क्या होती है, एनर्जी होती मिलती है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे क्या दिया है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड ऑल दीज रिएक्शन अकर इन बॉडी अंडर वेरी माइल्ड कंडीशन। ठीक है, दिस अकर विथ हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम्स होते क्या हैं, तो आप सीधा सा बोल सकते हो इट इज़ अ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, एक बायोकैटलिस्ट होता है जो हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट रिएक्शन को प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड होता है। ओके, आगे क्या दिया है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो हमने प्रोटीन का टाइप देखा था, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन देखा था। ठीक है, तो जितने भी ऑलमोस्ट एंजाइम होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर द पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो हर सब्सटेंस के लिए एंजाइम भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो एमिनो अमाइन को कन्वर्ट करना हो, तो इसमें डिफरेंट एंजाइम होते हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। ओके, तो अपने को जितना एनसीईआरटी में दिया है उसी को अपने को यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर, दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। फॉर एग्जाम्पल दिया है, द एंजाइम ऑफ कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इंटू ग्लूकोज नेम्ड एज माल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको रिएक्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, माल्टेज। तो माल्टोज को ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करता है उस एंजाइम का नाम क्या है, माल्टेज। आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो सरफेस केमिस्ट्री में देखा बहुत सारे एंजाइम्स थे जो स्पेसिफिक रिएक्शन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो माल्टोज को ग्लूकोज में कौन एंजाइम कन्वर्ट करता है, दैट इज माल्टेज। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बायो के बच्चे हो तो आपको ये सब पता ही होगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या दिया, सम टाइम्स एंजाइम आर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन वेयर दे आर यूज। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम विच कैटलिस्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस विथ साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस नेम्ड एज ऑक्सी। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ये वर्ड ऑक्सी दो रिडक्टेज। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऐसे एंजाइम को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, द एंडिंग नेम ऑफ एन एंजाइम इज एज। देखिए सफिक्स क्या लगा हुआ है यहाँ पर, एज लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक में क्या मिला, एंजाइम क्या होते हैं, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिक्वायरमेंट होते हैं वेरियस रिएक्शन के लिए, और हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में भी मैकेनिज्म आपने देखा होगा, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दिया है, तो देखते हैं क्या दिखा है एनसीईआरटी में। तो एंजाइम आर नीडेड ओनली स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम आर सेड टू बी रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये वर्ड कहाँ पर आपने सुना था, केमिकल काइनेटिक्स में आपने सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखिए
क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तो कितना है यहाँ पर 6.22 किलो जूल पर मोल, वाइल एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली 2.15 किलो जूल पर मोल व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम। ठीक है, तो जब हम एंजाइम का यूज करते हैं तो वो कम एनर्जी में ही वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सुक्रोज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हैज बीन डिस्कस इन यूनिट 5। देखिए यहाँ पर पूरा की एंड लॉक मॉडल आपने देखा होगा सरफेस केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो एंजाइम का जो मेजर पोर्शन जो ज़्यादा केमिस्ट्री में डिस्कस किया दैट इज सरफेस केमिस्ट्री में, तो अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप सरफेस केमिस्ट्री में पूरा एंजाइम का टॉपिक है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विटामिन्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो आपने 11th क्लास में, अगर बायो के बच्चे हो तो आपने बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा 11th क्लास में, केमिस्ट्री में 12th में है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बायो जैसा डिटेल में नहीं है, तो आपको जितना दिया बस उतना ही एनसीईआरटी का रीड कर लो तो आपको नीट जेई या कोई भी कंपटीशन के क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाले नहीं है। बट आपको एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको पढ़ना है और पॉइंट को नोट करते जाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं विटामिन्स में क्या दिया है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट बट देयर डिफिशियंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है, बहुत सारे विटामिन्स, कौन कौन से विटामिन होते हैं अभी हम देखेंगे क्या चीज़ है, बट अब विटामिन्स हम क्या डाइट के थ्रू लेते हैं और अगर उनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होंगे, बहुत सारे स्पेसिफिक डिजीज होते हैं। ठीक है, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड विटामिन्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी बट प्लांट्स कैन बी सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग जो होते हैं, हमारी बॉडी में ज़्यादा विटामिन्स क्या होते हैं, सिंथेसाइज बनते नहीं हैं, वो हम डाइट के थ्रू लेते हैं। बट प्लांट्स को ऐसा नहीं, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट में मोस्ट ऑफ विटामिन्स जो होते हैं वो खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं प्लांट किंगडम में। ठीक है, सो आगे क्या लिखा है, सो दे आर कंसिडर्ड एज इसेंशियल फूड फैक्टर्स। ठीक है, हाउएवर द बैक्टीरिया ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड बाई अस, ऑल द विटामिन्स आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट। हमारी डाइट में ज़्यादातर विटामिन अवेलेबल होता है, इसलिए बोलते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, बहुत लोगों को क्या होता है कि हमें ये नहीं पसंद है, हमें ये नहीं पसंद है, खाने में झगड़ा करते हो, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें हैं आपको खाना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट जितना रिक्वायरमेंट हो वो आपको, बोलते हैं ना घर वाले कि हरी सब्जी खाना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको खाना चाहिए। ठीक है, उसमें विटामिन्स होते हैं। द डिफरेंट विटामिन्स बिलोंग टू वेरियस केमिकल क्लासेस एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑफ देम बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन लिखा है विटामिन्स का। ठीक है, क्या लिखा है डेफिनेशन, देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन ए स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ। ठीक है, एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी को बोलते हैं विटामिन्स। आई होप इसका डेफिनेशन तो मतलब समझ में आ गया होगा कि विटामिन्स क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होते हैं हमारी बॉडी के नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए। ठीक है, तो उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, विटामिन्स। ठीक है, इसको डेफिनेशन पूरा प्रॉपर रटना नहीं, इसको समझ लेना है कि विटामिन्स एक कंपाउंड ही होते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, जो हमारी डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड हेल्थ पर्पज के लिए, तो उसी को विटामिन्स बोलते हैं। ओके, चलिए आगे क्या दिया है यहाँ पर, देखिए, विटामिन्स आर डिजाइंड बाय अल्फाबेट्स ए बी सी डी एसेट्रा, सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप, जैसे B1, B2, B6, B12। ठीक है, ये सब ग्रुप हैं। द एक्सेस ऑफ विटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल, बहुत ज़्यादा होगा तो भी वो हार्मफुल है, बहुत कम होगा तो भी हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो जितना चाहिए उतना हम लेते हैं। ठीक है, एंड विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि इसमें विटामिन ए है तो खाते रहो, बिना डॉक्टर की एडवाइस को आपको विटामिन्स का कोई भी मेडिसिन आपको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना है। ठीक है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना, अगर आप खुद डॉक्टर हो तो बात अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन टर्म विटामिन वाज
क्वाइंड फ्रॉम द वर्ड वाइटल एंड अमाइंस, ठीक है, इसे है वाइटल एंड अमाइंस। सिंस द अर्लीस्ट आइडेंटिफाइड कंपाउंड हैड बी एमिनो ग्रुप, लेटर वर्क सो दैट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन एमिनो ग्रुप, सो लेटर ई वाज ड्रॉप्ड एंड विटामिन इसको बोलते हैं। तो कहानी बोला है कि विटामिन क्यों ऐसा बोलते हैं, तो विटामिन में ई नहीं आता है, इसको ड्रॉप्ड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काम की चीज, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, ये काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं, विटामिन आर क्लासीफाई इन टू टू ग्रुप डिपेंडिंग ऑन देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, वाटर फैट के सोल्युबिलिटी के बेसिस को, फैट मीन्स ऑयल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो दिया फैट सोल्यूबल विटामिन, तो आपको ये ध्यान रखना है फैट सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं। देखिए विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल बट इनसोल्यूबल इन वाटर केप्ट इन दिस ग्रुप। तो फैट सोल्यूबल बोला हुआ है तो ऑब्वियसली बात है वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, फैट या ऑयल में डिजोल्व होगा। ठीक है, दीज विटामिन आर, कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए है, अब यही फोकस करना है आपको, कौन कौन से विटामिन है। देखिए विटामिन विटामिन ए है, ठीक है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के है। तो ए डी ई के, तो ये जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल है। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, फैट सोल्यूबल विटामिन अगर आपको देखना है तो आप याद कर लीजिए क्या, कीड़ा। ठीक है, अब कीड़ा है, जैसे मान लीजिए याद करने के तरीके, कीड़ा है, कीड़ा पानी में डिजोल्व हो, कोई भी कीड़ा हो, कीड़ा मतलब जो पता है बैक्टीरिया कोई भी हो, ठीक है, तो कीड़े को अगर पानी में डिजोल्व करो डिजोल्व थोड़ी होता है। ठीक है, मान लो चींटी है, कीड़ा ही हुआ, अब उसको पानी में डिजोल्व करो डिजोल्व थोड़ी होगा। तो ये एक ट्रिक है, कीड़ा, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए आर फैट सोल्यूबल नॉट वाटर सोल्यूबल। क्लियर है, अब कौन बचा, विटामिन बी बचा, विटामिन सी बचा, मतलब ये वाटर सोल्यूबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन है, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन सी, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर सोल्यूबल इन वाटर सो दे आर ग्रुप टुगेदर। तो ये विटामिन बी सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, कैन नॉट बी स्टोर। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते एक्सेप्ट विटामिन बी ट्वेल्व। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछ सकता है कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, दैट इज़ बी ट्वेल्व, एंड बी सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो यूरिन के थ्रू क्या होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पर एक टेबल दिया है, ये टेबल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर टेबल को अच्छे से ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में जितने भी टेबल है हर एक चैप्टर में, जैसे सॉलिड स्टेट में, सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बहुत सारे आपको टेबल मिलेंगे, टेबल से पक्का एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर से बनते ही हैं। ठीक है, मेटलर्जी से, तो मेटलर्जी का भी हमने लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट किया, उसको भी आप देखिए। तो पहले मैं वही चैप्टर कवर करूँगा जो थ्योरेटिकल है और जो एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मेटलर्जी हमने अभी कवर कर लिया है, बायो मॉलिक्यूल चल रहा है, इसके बाद कोई पी ब्लॉक हम लोग कवर करेंगे, पी ब्लॉक भी अपना हो गया है। इसके अलावा और भी चैप्टर हैं जो, जैसे पॉलीमर है, तो इसको भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलेंगे। ठीक है, और इसको एक रेगुलर पैटर्न में बनाइए तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस टेबल में, यहाँ पर टेबल में क्या क्या है, विटामिन नेम ऑफ विटामिन नंबर है, सोर्स है एंड डिफिशेंसी है। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए, विटामिन ए जो है सोर्स, देखो सोर्स तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सोर्स लगभग ऑयल जैसे कैरेट में ये सब में लगभग सब विटामिन होते हैं, तो सोर्स आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, विटामिन का नाम और उससे डिफिशेंसी क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या, जेरोप्थैल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जो बोलते हैं जिनको दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसके सोर्स क्या क्या है देख लीजिए, फिश लीवर ऑयल है, कैरेट है, बटर है, मिल्क है, तो ये इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट जो है विटामिन बी वन, तो विटामिन बी वन का जो यहाँ पे देखिए केमिकल नेम दिया हुआ है ये चीज़, तो विटामिन बी वन को थायमाइन बोलते हैं,
और इससे डिफिशेंसी बेरी बेरी डिजीज होता है। बेरी बेरी का मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डिंग ग्रोथ। एपेटाइट का लॉस होता है और हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, ठीक है। बहुत देखते हो कि बहुत सारे उनका ग्रोथ ही नहीं होता है, हाइट छोटी रहती है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको थायमाइन बोलते हैं। मिल्क ग्रीन ये सब इसके देखिए यहाँ पर सोर्स दिए हैं, ओके। थर्ड में जो है दैट इज विटामिन B2, तो B2 को रेबोफ्लेविन बोलते हैं। रेबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है B2 का विटामिन। तो इससे इसकी डिजीज से इसी कमी से डिफिशेंसी से क्या होगा, दैट इज चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब क्या है, फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स। देखते हो ना लिप्स या फिर माउथ फट जाते हैं इस टाइप के, तो विटामिन B2 की कमी से होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, बर्निंग ऑफ सेशन ऑफ स्किन, ये सब इसके डिजीजेज हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज B6, इसको पाइरोडॉक्सिन बोलते हैं, और इससे जो डिजीज होता है दैट इज कॉन्वोल्यूशन होता है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन क्या होता है वो बाय वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो विटामिन है दैट इज विटामिन B12, और इसकी कमी से होता है परनीसियस एनीमिया, ठीक है। इसमें डिफिशेंसी हो जाती है हमारे हीमोग्लोबिन में, RBC की, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, इसकी कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन में, ओके। नेक्स्ट जो विटामिन सी है इसको स्कार्बिक एसिड बोलते हैं, और इससे डिजीज जो होता है स्कर्वी, मतलब ब्लीडिंग गम्स होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स होता है, ठीक है, जिसे सूखा रोग बोलते हैं। बोन्स जो क्या होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं चिल्ड्रेन में, छोटे बच्चों में होता है कि बोन उनका जो हड्डियां होती है वो वीक होती हैं। या फिर यहाँ पे एक और लिखा है ऑक्टियोमलेसियस होता है, सॉफ्ट बोन एंड ज्वाइंट पेन एडल्ट में होता है, ठीक है। बहुत लोगों का हड्डी जो होता है बहुत वीक होता है, थोड़ा सा वो होता है तो टूट जाता है, या फिर एडल्ट जब एज हो जाता है तो उनको ज्वाइंट में क्या होता है पेन करता है, तो वो विटामिन डी की कमी से होता है। इसलिए छोटे बच्चों को क्या होता है धूप में थोड़ा सा रखते हैं, मॉर्निंग वाले धूप में विटामिन डी होता है, ठीक है। इसके देखो सोर्स यहाँ सनलाइट है, बाकी साइट्रस एसिड विटामिन सी होता है, मीट फिश एंड एग्स कर्ड में विटामिन B12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो विटामिन है दैट इज विटामिन ई। तो विटामिन ई में क्या डिजीज होता है, देखो ये इसका डिजीज है इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ RBC एंड मस्कुलर वीकनेस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो विटामिन के है इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो विटामिन की कमी से क्या होता है, जैसे हमें कहीं कट जाता है तो ब्लड क्या होता है थोड़ा सा देरी से वो जमता है, क्लॉटिंग होता है। तो अगर विटामिन के कमी होगा तो वो लॉन्ग टाइम तक आपका ब्लीडिंग होता है, जिसमें विटामिन अच्छे से होता है तो उनका जैसे ब्लड कट जाता है अगर हाथ वाथ में या कहीं भी, तो क्लॉटिंग जल्दी से रुक जाता है, ठीक है। अब इसमें से मैं बता देता हूँ कौन से आपको हमेशा याद ही रखने हैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो एक तो आपको विटामिन ए का अच्छे से पता होना चाहिए, विटामिन बी, विटामिन B2 और विटामिन ये B6 इम्पॉर्टेंट है, B12 इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के, ये याद होना चाहिए। वैसे याद तो मैंने सभी टिक कर दिया, दो छोड़ दिया, तो इससे अच्छा क्या है आप 9 के 9 पूरे याद कर लो, ठीक है। तो ये अपना विटामिन्स का टॉपिक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।